हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। और यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट। बॉट मीन्स होता है क्या, इज मतलब है, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, क्या महत्व है, ऑफ मतलब का और काय का, लैक मतलब झील का, और कौन सी झील का, मानसरोवर झील का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, दो चीजों के अनुसार, कौन सी दो चीजों के अनुसार, तो लिखा है हिंदू और बौद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है शास्त्र को बोलते हैं। तो हिंदू शास्त्र और बुद्ध शास्त्र के अनुसार जो मानसरोवर झील है ना, इज द सोर्स है, मतलब स्रोत है, काय का स्रोत है, ऑफ मतलब का, काय का, फोर ग्रेट इंडियंस रिवर्स का, मतलब भारत की चार नदियों, प्रमुख नदियां, महान नदियों का स्रोत है। क्या बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, दो चीजों के अनुसार, हिंदू और बौद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी मतलब बुद्ध धर्म के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार या हिंदू शास्त्र के अनुसार जो मानसरोवर झील है ना, इज द सोर्स है, मतलब स्रोत है, काय का स्रोत है, फोर ग्रेट इंडियंस रिवर्स मतलब भारत की महान चार नदियों का स्रोत है। कौन सी नदियों का, यहां पर चार नदियों के नाम लिखे हैं। कौन सी नदी, द इंडस, इंडस जो है ना सिंधु नदी का नाम है, और द गंगा का, और सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये चार नदियों का प्रमुख स्रोत है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बॉट। बॉट मींस हो गया क्या, डज हो गई हेल्पिंग बार, कोरा, कोरा का हमको क्या बताना है, मींस बताना है, मतलब अर्थ बताना है, कोरा का क्या अर्थ है, कोरा किसे कहा जाता है। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है द कोरा मींस मतलब अर्थ होता है कोरा का, आ राइट, राइट मतलब होता है रस्म या रीति रिवाज होता है। तो कोरा जो है ना एक राइट मतलब एक रस्म है, काय की रस्म है, ऑफ वॉकिंग मतलब चलने की, कहाँ चलने की, ऑल द वे मतलब चारों ओर चलने की रस्मों को कहा जाता है। किसके चारों ओर चलने की, तो लिखा है द होली माउंटेन मतलब पवित्र पर्वत के चारों ओर चलने की रस्म को कोरा कहा जाता है। और जो होली माउंटेन मतलब जो पवित्र पर्वत से मतलब यहां पर है कैलाश पर्वत से है। तो क्या लिखा है, कोरा का मींस बताया जा रहा है, क्या है, आर राइट मतलब एक रस्म को कहा जाता है, काय की रस्म को, वॉकिंग मतलब चलने की, कहां चलने की, ऑल द वे अराउंड मतलब चारों ओर चलने की रस्म को, काय के, द होली माउंटेन के चारों ओर।